हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अ डे विद यास्मीन। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बेबी फूड फीडर का रिव्यू। तो चलिए देखते हैं टीनी टाइकुंज का बेबी फूड फीडर रिव्यू। तो ये है टीनी टाइकुंज का बेबी फूड फीडर, जो कि पिंक कलर का है और ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है। ये प्रॉपर पूरा ही सिलिकॉन का है एंड ये BPA फ्री है। इसका जो बॉटल पार्ट है, ये बॉटल पार्ट भी पूरा सिलिकॉन का है। आप अगर बेबी का फूड स्टार्ट कर रहे हैं, सॉलिड फूड स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इससे बेबी को फूड फीडिंग करना बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये आप लोग बिल्कुल ट्राई करें। मेरी बेबी 6 मंथ्स का होने वाला है, ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गया है, तो मैं उसका सॉलिड फूड स्टार्ट कर रही हूँ और तो इसलिए मैंने ये परचेस किया है। तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। चलिए अब इसको ओपन करते हैं और ओपन करके देखते हैं। तो ये है टीनी टाइकुंज का बेबी फूड फीडर। ये व्हाइट एंड पिंक में है। इसका और भी कलर अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं, किसी भी ऐप में आपको ये मिल जाएगा। मैंने ये फर्स्ट क्राई से परचेस किया है, तो आप लोग किसी भी ऐप से इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मार्क है 30, 60, 90 ml का मार्क है। जैसे फार्मूला मिल्क को हम लोग मेज़र करके पिलाते हैं, उसी हिसाब से सॉलिड फूड को थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रख के उसको नाप के ऐसे ही मेज़र करके हम लोग बेबी को फीड कराएंगे। इसमें प्रॉपर सॉलिड नहीं रखना है, सॉलिड से थोड़ा लिक्विड करना है, बट दूध के तरह भी लिक्विड नहीं करना है। यहाँ पे इसका कैप लगा हुआ है, यहाँ पे स्पून के थ्रू आप बेबी को फूड फीड करा सकते हैं। और उस स्पून को ऐसे पिंक कलर में एक अच्छा क्वालिटी का लीड दिया हुआ है, जो कि अच्छा क्वालिटी का है। इसको प्रेस करके ओपन करना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से प्रेस करना है और ये ओपन हो जाएगा। और आप लोग फिर इसको फीड कराने के बाद फिर से इसको लगा के आराम से रख सकते हैं। इससे स्पून बहुत ही सेफ रहेगा और उससे कोई गंदा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए स्पून है, जो भी अंदर में फूड रहेगा वो इस स्पून में आएगा और स्पून के थ्रू आप बेबी को फीड करा सकते हैं। इसको भी आप ऐसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन करके इसके अंदर फूड डाल सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेनर दिया हुआ है। अगर आप अंदर में कुछ इस तरह से सॉलिड है जो कि बेबी के मुंह पे नहीं आएगा, तो इसलिए आप उसके अंदर रख सकते हैं ये स्ट्रेनर, ताकि सिर्फ लिक्विड फॉर्म बाहर आएगा और जो सॉलिड रहेगा वो अंदर में रह जाएगा। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा होल है स्पून में, इस होल के थ्रू स्पून में फूड आता है और वो बेबी को आप फीड करा सकते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से बेबी को फीड कराना है। आप अगर बॉटल को धोना चाहे तो इसको भी, सिलिकॉन का बॉटल को भी आप ऐसे प्रेस करके निकाल सकते हैं, बट आपको ऐसे निकलना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ ऊपर का जो कैप है उसको भी ओपन करके आप उसको धो सकते हैं आराम से। तो मुझे ये टीनी टाइकुंज का बेबी फूड फीडर बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों की अगर ये अच्छा लगा ये बॉटल, तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बाकी मॉम्स के साथ भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।